आप देख रहे हैं newstrack.com और मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। आपने अम्फान तूफान के बारे में तो सुना ही होगा। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान भारी तबाही मचा सकता है। ये तेजी से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए राज्यों को अलर्ट भी कर दिया गया है। राज्यों में अलर्ट जारी है और इसे लेकर राज्य सरकारें भी चौकन्ना है, वो भी अपनी कोशिशों में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि ये उफान पर आकर भारी तबाही मचा सकता है। तो चलिए इस तूफान के बारे में जानते हैं और डिटेल्स। मौसम विभाग के मुताबिक अम्फान तूफान आज दोपहर से शाम तक बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि ये तूफान साल 2014 में आए हुदहुद साइक्लोन से भी काफी ज्यादा भयावह और विध्वंसक हो सकता है। अम्फान बुधवार को समुद्र तट से टकराएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है और शाम तक हवा की रफ्तार भी 150 किलोमीटर प्रति घंटे को पार कर जाएगी, जबकि बुधवार सुबह से हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। सुबह मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि ये तूफान थोड़ा कमजोर पड़ गया है, लेकिन एक बार फिर से इसकी रफ्तार बढ़ गई है। इस तूफान का असर कई राज्यों पर पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण और उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगल और कोलकाता के इलाकों में तूफान का अत्यधिक असर देखने को मिल सकता है। वहीं ओडिशा की बात की जाए तो जानकारी के मुताबिक ओडिशा में जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिलों में चक्रवात का ज्यादा असर होगा। दोनों राज्य के तटीय इलाकों में रेल और रोड ट्रांसपोर्ट 20 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा अम्फान की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने पूर्वी तटों के राज्य तमिलनाडु और पुडुचेरी के अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और आसपास के तटीय क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं ओडिशा के तटीय जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अम्फान 19 से 20 मई को पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के बीच दीघा और हटिया द्वीप समूह से टकराएगा, जिसका असर गुरुवार तक रह सकता है। किसी तरह के जान माल की हानि को रोकने के लिए एनडीआरएफ की 53 टीमें तैनात की गई हैं। एहतियातन तटीय गांव खाली कराए जा रहे हैं। मछुआरों और लोगों को समुद्र के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा रेल और बस सेवाओं के रूट बदल दिए गए हैं। चक्रवात तूफान को देखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकार सतर्क है और जरूरी कदम उठा रही है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार तटीय इलाकों से लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। चक्रवात तूफान को देखते हुए एयरफोर्स के C-130 विमानों को भी तैयार रहने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर सेना की भी मदद ली जाएगी। एनडीआरएफ की टीमें राज्यों में अलर्ट पर हैं। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा 4 टीमों को स्टैंड बाई पर भी रखा गया है, जबकि ओडिशा में 13 टीमें तैनात हैं और 17 टीमें स्टैंड बाई पर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात अम्फान ने सुपर साइक्लोन का रूप ले लिया है। अम्फान दक्षिण खाड़ी के मध्य भागों में 6 घंटे के दौरान 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है, जो पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश के तटों से 20 मई को टकराएगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान हवा 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहेगी। इस तूफान के चलते भारी नुकसान का अनुमान है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार को 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट का मतलब तूफान को लेकर लोगों और अधिकारियों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि राज्य में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए newstrack.com के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।